अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्या कह रहा है? फंक्शन लिखो साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। कंपोजिट फंक्शन आपका डिनोमिनेटर है और जिसका आर्गुमेंट 1 प्लस कॉस एक्स है, इसे आप टी पुट करेंगे, ठीक है। और जब इसे टी पुट करोगे तो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस साइन एक्स देखो इसे बना लो, ये बन गया आपका डेरिवेटिव। इसको छोड़ना है आपको ds के साथ में, इसको ds के साथ में छोड़ो, इंटीग्रल की साइन ds के साथ छोड़ दो, तो ये बन गया आपका dt, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है इज इक्वल टू ये माइनस इंटीग्रल dt अपॉन t का स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 1 अपॉन t का स्क्वायर dt, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन t, इस माइनस को अंदर ले जा सकते हो, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। अब आप सोचो किस फंक्शन का इंटीग्रल, मतलब कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है, तो आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन t का, कहने मतलब इसका इंटीग्रल 1 अपॉन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन t, क्या है 1 आपका 1 प्लस cos x है, 1 प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 32 आपका फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस cot x, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, कैसे बनाओगे उसको सुनो, इस टाइप का एक एग्जांपल भी है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इसको, इसको लिखेंगे आप 1 अपॉन 1 प्लस cot x लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x ऐसे लिख सकते हो, फिर आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन, इसको लिखोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप इसे लिख सकते हो ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब आप तो और मैनिपुलेशन कैसे करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ 2 से डिवाइड कराओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 1 अपॉन 2 साइन एक्स को हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। नीचे 2 टर्म था, ऊपर 1 टर्म था, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बनेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स आएगा। 2 टर्म आएंगे, ऊपर केवल साइन एक्स था, एक ही टर्म था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अभी देखो अभी और करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। अब आगे देखो, अब आप यहाँ पर 1 अपॉन 2 डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ये चीज न्यूमरेटर बनाओगे। न्यूमरेटर हम पहले लिख लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ओके। यानी कि यहाँ कॉस एक्स नहीं था न्यूमरेटर में, हमने कॉस एक्स ऐड किया, कोई फर्क ना पड़े, सबट्रैक्ट भी कराएंगे, तो माइनस कॉस एक्स और फिर साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर में ग्रुपिंग बनाएंगे, वन अपॉन टू ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ग्रुपिंग में, और इसको भी ग्रुप बनाएंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे, वन अपॉन टू इसको अलग अलग करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस दिस अपॉन दिस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है, अलग अलग किया गया है इसलिए। अब इसके बाद देखो, वन अपॉन टू देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, वन प्लस। अब देखो ये तो वन बन गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कास होगा, और कास का क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है। बट यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ माइनस कास है, तो माइनस यहाँ से कामन करेंगे, तो यहाँ से माइनस कामन करेंगे, तो माइनस कामन कर लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे बन जाएगा डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे वन अपॉन टू वन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, ये आ गया, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जिसका आप इंटीग्रल कर सकते हो। तो अब हम इंटीग्रल के साइन लगाएंगे, इंटीग्रल डी एक्स, 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 ठीक। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटीग्रल अंदर जा रहा है, इंटीग्रल वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। अब आप विचार करो, यदि इसे आप टी बोलते हो, ठीक है, तो इसे टी पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, और ये डी एस के साथ छोड़ दो तो ये बन जाएगा डी टी, ठीक है, ये आपका डी टी बन जाएगा, ठीक। अब इंटीग्रेट कर लो
स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ये dt/t का मतलब log t डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और t आपका ये है mod sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में x माइनस log mod sin x प्लस cos x प्लस c1 c2 मिलाकर c ब्रैकेट क्लोज्ड। चाहे तो इस 1/2 को c के साथ मल्टीप्लाई करा लो तब भी c आएगा, ब्रैकेट यहाँ से लगा सकते हो। जैसे आपका क्वेश्चन 32 है ठीक वैसे ही 33 भी है। क्वेश्चन नंबर 33 ठीक है, फंक्शन आपका है 1/(1 - tan x)। इस टाइप से एक क्वेश्चन 32 है, एक 33 है, एक एग्जांपल है ठीक है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं जैसे अभी आप 32 किए थे, ठीक वही प्रोसेस। इसको लिखेंगे 1/(1 - tan x) को लिखेंगे साइन एक्स 1/cos x ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे cos x ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा cos x - sin x। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और यहाँ लिखेंगे 1/2 ठीक। अब इसको लिखेंगे, थोड़ा स्टेप कम कर देंगे जहाँ ज़रूरत समझेंगे, तो 1/2 cos x को लिखेंगे cos x + cos x ठीक है, cos x + cos x और -sin x को ऐड करेंगे और +sin x को भी ऐड करेंगे जिससे कोई फर्क ना पड़े ठीक है। और इसकी ग्रुपिंग बना लेंगे, ऐसे ग्रुपिंग बना लेंगे ओके। अब -sin x + sin x कैंसिल हो जाएगा तो cos x - cos x 2 cos x फिर से आएगा, जैसे यहाँ पर ग्रुपिंग बनाए हैं ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हैं स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर भी हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, आप खुद से करें, यही आपका आएगा ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा cos x - sin x ओके। जो चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में है वो चीज़ हम यहाँ पर रखते हैं जिससे कैंसिल होकर ये 1 बन जाए और दिस अपान दिस आ जाए ठीक है। इजिक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में दिस अपान दिस करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ठीक है प्लस। अब देखो आप यहाँ पर लिख लो आप cos x + sin x डिवाइडेड बाई cos x - sin x ये चीज आ गया ठीक है। अब आप विचार करो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में cos x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -sin x तो यहाँ तो माइनस है नहीं ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है तो +sin x है, रहना क्या चाहिए -sin x और इसका डेरिवेटिव करोगे तो -cos x आएगा तो वो भी माइनस नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, कैसे रखेंगे उसको सुनो आप, यहाँ पर हम लिखते हैं -cos x ठीक है, और यहाँ पर रखते हैं -sin x
ओके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, ये तो बन गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए एक माइनस और लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों माइनस कॉमन कर लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो उसको हटाने के लिए एक माइनस और लगाना पड़ेगा, यहाँ फिर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा तो इंटीग्रल के साइन लगाएंगे, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा, वन अपॉन टू, ब्रैकेट लगा देंगे, इंटीग्रल अंदर जा रहा है, इंटीग्रल वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल, इसको पहले माइनस साइन एक्स ले सकते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब आप देखो, विचार करो, अगर आप इसे t बोलते हो, ठीक है, यानी कि इसे आप पुट कर दीजिए t, तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। अब इसको ds के साथ छोड़ दो तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया dt, ठीक है, और डी टी अपान टी का आंसर लॉग मॉड टी होता है। आप डायरेक्ट आंसर लिखो, वन अपान टू, ब्रैकेट क्लोज्ड, वन का इंटीग्रल एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में लगा देंगे, माइनस डी टी अपान टी, डी टी अपान टी का आंसर हो जाएगा लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी, टी का मतलब कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 34 पर विचार करें, तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है उसमें रूट का आर्गुमेंट टैन एक्स है, इसलिए हम लोग इसे टी पुट करेंगे। ठीक है, जब आप इसे टी पुट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टैन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, सिक स्क्वायर एक्स आएगा, सिक स्क्वायर एक्स यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ वन अपान कास दिख रहा है, तो इसे हम सिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, कास से यहाँ पर डिवाइड करा दीजिए, ठीक, कास एक्स से डिवाइड किया और कास से आप मल्टीप्लाई भी किया, कराएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कास से मल्टीप्लाई किया तो कास स्क्वायर एक्स हो गया, कास से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब विचार करो कि यहाँ पर वन है और ये चीज़ आपकी बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स, और इस पर विचार करो ये चीज़ आपकी बन जाएगी साइन एक्स अपन कास एक्स टैन एक्स, ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, रूट टैन एक्स अपान साइन एक्स अपान कॉस एक्स टैन एक्स, और वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे हैं, तब जाकर इंटीग्रल की साइन लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, टैन एक्स यहाँ रूट टैन एक्स है, यहाँ टैन एक्स है, ये डिवाइड होगा तो इसको लिख सकते हैं वन अपान रूट टैन एक्स,
ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम टी पुट किए तो हमारे सामने आया कि सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स जब इसको हम बनाने लगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक सब बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ न पुट करके यहाँ पुट करेंगे। ये जो आपका फंक्शन था वो ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या बोलेंगे, टी, ठीक है। जब आप इसे टी बोलेंगे यानी टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यही हमको चाहिए भी था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स आपके पास आ भी गया है। इसको डी एस के साथ छोड़ोगे तो इसको डी एक्स के साथ छोड़ दोगे। तो जब आप इसे डी एस के साथ छोड़ दोगे तो ये अपना नया फॉर्म तैयार करेगा, नए फॉर्म में आ जाएगा डी टी के, ठीक है। अब यहाँ डी एस लगाए हो तो इंटीग्रल की साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो चलो सब जगह लगा देते हैं इंटीग्रल डी एक्स, यहाँ पर भी इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या बन गई है, ये चीज़ बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स और ये चीज़ आपकी बन जाएगी टेन एक्स, यहाँ पर लिखा गया है और ये चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रल वन अपान रूट टी डी टी। मैंने कहा था कि जब भी अब आपको वन अपान रूट टी दिखे उसका इंटीग्रल पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिखो टू रूट टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे आया है यहाँ हम आपको करके दिखाए हैं, देखो ये देखो ये देखो वन अपान रूट टी है क्वेश्चन नंबर 28 में, वन अपान रूट टी। इसको देखो स्टेप बाय स्टेप करते के दिखाए हैं टू रूट टी आया है। मैंने आपसे कहा था जब भी वन अपान रूट टी आ जाए तो उसका आंसर आप टू रूट टी प्लस से लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट लिख दिया, समय आपका बच जाएगा, ठीक। अब टी आपने किसको बोला है, टी आपने बोला है टैन एक्स को, तो यहाँ लिखेंगे टैन एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। 35 क्वेश्चन पर विचार करो, 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो कंपोजिट फंक्शन है वो आपका 1 प्लस लाग एक्स है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपान एक्स आएगा, ठीक। तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप टी बोलोगे, लिखोगे पुट 1 प्लस लाग एक्स इक्वल टू टी। जब इसे आप टी के इक्वल पुट करोगे और इसका डेरिवेटिव आपका आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, लाग एक्स का 1 अपान एक्स आएगा, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसको आप डी एस के साथ छोड़ोगे तो डी एक्स के साथ छोड़ोगे तो यहाँ इंटीग्रल, ठीक है। तो डी एस के साथ छोड़ दो, अब ये क्या बन गया, ये डी टी बन गया, अब ये आपका डी टी बन गया, ठीक है। देखो क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है इंटीग्रल, ये टी स्क्वायर ये डी टी, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया टी पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। टी है क्या, टी आपका 1 प्लस लाग एक्स है, तो 1 प्लस लाग एक्स की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन पर विचार करो, तो यहाँ पर आपका जो कंपोजिट फंक्शन है
वह एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना, इसलिए कंपोजिट फंक्शन है। स्क्वायर का आर्गुमेंट आपका है एक्स प्लस लॉग एक्स, इसे हम क्या बोलेंगे, टी, ठीक है। इसे आप टी के इक्वल पुट करोगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चलो हम यहाँ इसको लिख कर दिखाते हैं। पुट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखना है, जिसको हमने ऐसे टी बोला है सबको ऐसे लिखना है, सो दैट एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको हम साथ क्या लिखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आपका बन गया। एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो अगर यहाँ पर हम इंटीग्रल लगाते हैं साइन ये डी एक्स, तो डी एक्स के साथ में क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो आपके फंक्शन देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसको डी एक्स के साथ छोड़ना है, ओके। तो डेरिवेटिव ये है और इसको किसके साथ छोड़ना है, इसको आपको डी एक्स के साथ छोड़ना है, ओके। तो यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन डी एक्स क्या बन जाएगा, ये डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी टी बन गया, ओके। अब आपका नए फॉर्म में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो x प्लस लॉग x आपका t हो गया और इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ आपकी क्या बन गई, डी टी बन गई, डी टी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रल क्या होगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t है क्या, t आपका x प्लस लॉग x है, x प्लस लॉग x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्वेश्चन 37 है, जिसमें फंक्शन है एक्स क्यूब साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स पावर 4 होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 8, इसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए इंटीग्रेट की साइन डी एक्स मैंने लगा दिया इस बार। तो आर कंपोजिट फंक्शन कौन है और उसका आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ये है, इसे हम क्या बोलेंगे, टी पुट करेंगे, ठीक है, इसे आप टी पुट करोगे और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो यहाँ लिख कर दिखाते हैं। पुट टेन इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी, सो दैट टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस आर्गुमेंट का होल स्क्वायर, आर्गुमेंट एक्स पावर 4 है तो इसका होल स्क्वायर एक्स पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, अब एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ आएगा, और फिर एक्स है तो इसका डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डी टी। अब देखो आप डी एक्स के साथ क्या क्या है, एक्स क्यूब है, हाँ है, 4 है, नहीं 4 नहीं है तो 4 लगा लीजिए, तो यहाँ लगाएंगे तो बाहर भी लगा देंगे जिससे कोई फर्क ना पड़े। अब देखो अब इसका डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ ये भी है, ठीक है। देखो 4x³ ये आपको दिख रहा है ना, और इसके साथ dx भी है, यहाँ dx भी है। अब इसको क्या बोलेंगे,
इसको आप dt बोल देंगे, यानी ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे, dt हो जाएंगे। ठीक है, ये सब मिलकर आपके dt हो गए। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, देयरफॉर 1/4 इंटीग्रल साइन पहले लिखो, आर्गुमेंट को अब आप टी बोलो, ये पूरी चीज़ आपकी dt बन गई। ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको इसके ऊपर क्या हुआ, साथ क्या, कोई मतलब नहीं। अब आप इस पर विचार करें साइन टी का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके साथ 1/4 है, तो 1/4 आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अब ये आ गया -1/4 कॉस टी है, क्या टी आपका टैन इनवर्स x^4 है, ऑफ टैन इनवर्स x^4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 38, इस पर विचार करें, तो यदि आप इसे टी पुट करते हो, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप डिनोमिनेटर को, x^10 का डेरिवेटिव आएगा 10 × x^9। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे, 10 × x का डेरिवेटिव होगा 10 × x log 10। ठीक है, तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, न्यूमरेटर है, और इसको आप ds के साथ छोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका dt। ठीक है, ये आपका dt बन जाएगा, और इसे आपने क्या बोल दिया, इसे t बोल दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इंटीग्रल dt/t। क्या आंसर आ जाएगा, log mod t + c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log mod टी है क्या x^10 + 10 × x, ये आपका टी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 39 पर आते हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, देखो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करोगे ये आपका आएगा ऑप्शन से, या इसे इंटीग्रेट करो। कैसे करोगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बनाएंगे, अभी है नहीं, इसके लिए न्यूमरेटर में जो 1 लिखा है उसको लिखेंगे sin²x + cos²x। ठीक, 1 को न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर एज इट इज आप लिख लीजिए sin²x × cos²x। ठीक, अब इसे अलग अलग कर लो, dis/dis करोगे जब, तो sin inverse कैंसिल हो जाएगा, 1/cos²x आ जाएगा। ठीक है, अब जब cos²/ करोगे तो cos² कैंसिल हो जाएगा, 1/sin²x आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप लिख सकते हो 1/cos²x को sec²x, 1/sin² को लिखोगे cosec²x। ठीक है, अब इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इंटीग्रल के साइन लगा देते हैं, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल, अब यहाँ ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, 2 टर्म हो गया, dx अलग अलग की हो ना, इसलिए इंटीग्रल ब्रैकेट लगा दीजिए, dx, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल sec²x dx + इंटीग्रल
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टैन एक्स। लिखो कि टैन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको एक बार और लिखेंगे, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स सी वन सी टू मिलकर प्लस सी हो जाएगा। यही आपका आंसर है।